दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं लिटरेरी फॉर्म में बैलेड की। बैलेड क्या है? ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हमने एलिजी, सोनेट वगैरह को पढ़ लिया है, एपिक को पढ़ लिया, हमने ओड को पढ़ लिया है। तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लिटरेरी फॉर्म जो है वो इम्पोर्टेंट एक पार्ट है और उसमें आता है बैलेड। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि बैलेड होता क्या है। दोस्तों बैलेड किसको बोलते हैं? बैलेड होती है कोई भी नैरेटिव पोएम। बैलेड का अर्थ होता है कोई भी नैरेटिव पोएम और इट इज ए सिंपल नैरेटिव पोएम कहा जाता है। सिंपल नैरेटिव का मतलब वर्णनात्मक, ये वर्णनात्मक जो है एक कविता होती है, सिंपल साधारण सी एक नैरेटिव पोएम होती है। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है यहाँ पर कि इट इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टांजास। शॉर्ट स्टांजास ऑफ 4 लाइन्स, चार चार लाइन के शॉर्ट स्टांजास होते हैं। इसमें एक सिंपल नैरेटिव पोइम होती है और शॉर्ट स्टांजास होते हैं और चार चार लाइन के स्टांजास होते हैं। और तीसरा पॉइंट कहता है कि इट इज ऑफ 8 एंड 6 लेवल अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली तो यहाँ पर जो ना 6 और 8 स्टांजास होते हैं, सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल का मतलब जो वोवल की साउंड देता है उसको सिलेबल कहते हैं, फोनेटिक सिंबल में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद है, इट मे आल्सो बी सॉन्ग अकम्पनिंग इन ए डांस, अकम्पनिंग ए डांस। ये एक सॉन्ग होता है जो कि डांस के साथ गाया जाता है, डांस के साथ करते हुए इस बैलेड को डांस करते हुए गाया जाता है। और एक सिंपल नैरेटिव पोइम होती है, शॉर्ट स्टांजाज होते हैं चार चार लाइन के और इसमें 8 और 6 सिलेबल होते हैं। और इसमें जो है इसको, ये एक तरीका का गीत है, एक इसको गाया जाता है और गाया जाता है डांस के साथ, डांस करते हुए इसको गाया जाता है। इट मे बी ए ड्रॉइंग रूम सॉन्ग यूजली ऑफ सेंटिमेंटल नेचर। ये एक ड्रॉइंग रूम नेचर सॉन्ग है, ये मतलब आप घर बैठे इसको गाते हैं, थोड़ा सा सेंटिमेंटल है, भावुक इसका भावुकता भरी होती है इस सॉन्ग में, सेंटिमेंटल इसका नेचर होता है। यानी कि इस बैलेड की जो प्रकृति होती है थोड़ी सेंटिमेंटल होती है, थोड़ी भावुक टाइप की होती है। और इट टेल्स एन ओल्ड स्टोरी, ये एक किसी पुरानी कहानी को कहता है। किसी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में उसके जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन करते हुए इसको गाया जाता है और इस गाने के दौरान जो है व्यक्ति जो होता है थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है, यानी कि थोड़ा भावुक हो जाता है, क्योंकि उसकी उपलब्धियां हैं या उसके जो कार्य है उसकी बातों को याद करते हुए, किसी व्यक्ति को याद करते हुए उसके ऊपर ये गाया जाता है। और इसलिए इसका जो नेचर होता है ना वो सेंटिमेंटल नेचर होता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद कहता है कि इट इज इम्पर्सनल इन ट्रीटमेंटेड एंड आइडेंटिटी ऑफ द राइटर मीन्स अननोन। इसमें जो राइटर होता है ना उसकी आइडेंटिटी जो होती है ना वो अननोन होती है, किसने लिखा, किसके ऊपर लिखा, ये सारी चीज़ें जो है इसमें नहीं होती हैं। टोन जोड़ी थोड़ी जो होती है इसमें इम्पर्सनल टाइप की होती है। काइंड्स की बात करें हम, बैलेड के काइंड्स की बात करें तो ऑथेंटिक बैलेड्स भी होते हैं और लिटरेरी बैलेड्स भी होते हैं। जो ऑथेंटिक बैलेड्स होते हैं उनके जो राइटर हैं वो अननोन होते हैं, मतलब इनके लेखक जो होते हैं वो अज्ञात होते हैं, जो ऑथेंटिक बैलेड्स हैं। और जो लिटरेरी बैलेड्स हैं उनके राइटर नोन होते हैं, ये ज्ञात राइटर के द्वारा लिखे गए होते हैं। तो बैलेड्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ऑथेंटिक बैलेड और अनऑथेंटिक बैलेड, या इसको लिटरेरी बैलेड्स कहते हैं हम। लिटरेरी जो बैलेड्स होता है उसका जो राइटर होता है वो हमें पता होता है कि इसने लिखी है, लेकिन जो ऑथेंटिक बैलेड्स होता है जो कि पौराणिक कथाओं से संबंधित होता है, ओल्ड स्टोरी से संबंधित होता है, उसका राइटर नहीं पता किसने कब और कहाँ लिखी थी ये बैलेड। तो कुल मिलाकर बैलेड में अपने को दो तीन बातें याद रखनी है कि एक तो इसकी जो नेचर है, इसका जो प्रकृति है वो सेंटिमेंटल है, और ये एक दूसरी चीज जो याद रखनी है जहाँ से क्वेश्चन आता है, इट इज ए सिंपल नैरेटिव पोइम है, एक बात ये याद रखनी है। और यहाँ पर एक बात ये याद रखनी है, इट टेल्स एन ओल्ड स्टोरी, ये किसी पुरानी कहानी को कहता है। और इसके जो राइटर होते हैं ना, ज्यादातर जो हम ऑथेंटिक बैलेड्स की बात करें उसके राइटर जो होते हैं ना वो अननोन होते हैं। ये एक सेंटिमेंटल नेचर का एक गीत होता है, एक सिंपल नैरेटिव पोइम होती है, इसके राइटर जो होते हैं वो अननोन होते हैं, और ये किसी की एक किसी कोई पुरानी कहानी को कहते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, ऑथेंटिक बैलेड्स और लिटरेरी बैलेड्स।
ऑथेंटिक बैलेट्स के राइटर अननोन होते हैं और लिटरेरी बैलेट्स के जो राइटर हैं वो नोन होते हैं। तो ये कहानी थी बैलेट की, ये एक लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच है। इसके बाद हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे। इससे पहले हमने जो जो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी हैं वो उनमें से एक सोनेट पढ़ लिया हमने, एलिजी पढ़ ली है हमने, ओड को पढ़ा है, और उसके बाद हमने एपिक को पढ़ा है, और आज हम इस बैलेड को पढ़ रहे हैं। तो ये पांचवा है इसमें फिगर ऑफ स्पीच, और कुल मिलाकर 7-8 स्कूल लेक्चरर एग्जाम में ये फिगर ऑफ स्पीच आते हैं। रीड की तैयारी करने वाले बालकों के सिलेबस में भी ये आते हैं, जो थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं उनके सिलेबस में भी है, और KVS और NVS की तैयारी करने वाले बच्चों के सिलेबस में भी ये है। तो इस वीडियो का आनंद ले, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अपन एक नई फिगर ऑफ स्पीच।